हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफिलियन द मिस्टीरियस पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पीएचडी इंटरव्यूज में जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पूछे जाते हैं, और आज हम लोग मोस्टली डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स के बारे में कि मैथमेटिकल फिजिक्स से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीएचडी इंटरव्यूज में, और साथ ही बीएआरसी में भी इसी तरीके के कुछ इंटरव्यू टॉपिक्स पूछे जाते हैं। तो मैथमेटिकल फिजिक्स की अगर हम लोग बात करें तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में देखिए, पॉलिनोमियल्स में क्या पूछा जाता है, इनका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन यानी कि फिजिक्स में हम पॉलिनोमियल्स को कहाँ यूज करते हैं। जैसे लेजेंड्रे पॉलिनोमियल है हमारा, उसका यूज कहाँ होता है फिजिक्स में। इसी तरीके से हर्माइट पॉलिनोमियल है, उसे हम कहाँ यूज करते हैं फिजिक्स में। ठीक है, तो ये आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। जैसे कि हम पॉलिनोमियल्स को, हर्माइट पॉलिनोमियल्स को इन कैलकुलेशन ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, जो हमारे क्वांटम मैकेनिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, उसके कैलकुलेशन में यूज करते हैं। तो इसी तरीके से पॉलिनोमियल्स का डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन है। ठीक है, साथ में इससे रिलेटेड इन कुछ फॉर्मूलेज भी पूछे जाते हैं, जिसमें है हमारे पास रोड्रिगेज फॉर्मूला और जनरेटिंग फंक्शन। तो जो डिफरेंट पॉलिनोमियल्स है उनकी जनरेटिंग फंक्शन किस तरीके से फॉर्मूला है वो पूछा जाता है। दूसरा हमारे पास यहाँ पे है कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें हमारे पास कौन कौन सा सिस्टम है, सिलेंड्रिकल सिस्टम और स्फेरिकल सिस्टम। ठीक है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें हमारे पास ये हो गया रो फाई जेड, एंड इन दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम आर थीटा एंड फाई। ठीक है, तो अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, कर्वीलिनियर सिंपल सी चीज है, बाकी आप लोगों को इनकी जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो तो याद ही होने चाहिए। जैसा कि डाइवर्जेंस इस फॉर्म में एक सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस तरीके से लिखा जाता है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस तरीके से लिखा जाता है डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन, और स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट किस तरीके से लिखा जाता है, लाप्लाशियन कैसे लिखा जाता है स्केलर फंक्शन का, इसी तरीके से कर्ल ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन कैसे लिखा जाता है, ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए। साथ में ये पता होना चाहिए कि इन दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को हम इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड यानी कि इन कार्टिजन कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए फ्रॉम कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, थर्ड हमारे पास है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। अब कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में क्या पूछा जाएगा, सबसे पहले तो आपको रेसिड्यू कैलकुलेट करना आना चाहिए, साथ में जो भी यहां पे इंटीग्रल इंटीग्रल ट्रिक्स है हमारे पास। ठीक है, कैसे इंटीग्रेशन को सॉल्व किया जाता है उसके जो ट्रिक्स हैं, जैसे हम कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला है, ये कैसे आया। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि इसको कैसे हम डिराइव करते हैं, कैसे लेके आते हैं, और साथ में हमारे पास एक जो हमारे पास इंटीग्रेशन है ऑफ एनी फंक्शन फ्रॉम माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी एफ एक्स डी एक्स, हमारे पास इसको किस तरीके से इंटीग्रेट करते हैं, ये हमारे पास होता है टू पाई आई मल्टीप्लाइड बाई रेसिड्यू ऑफ इन अपर हाफ प्लेन। ठीक है, तो ये अपर हाफ प्लेन में ही क्यों लेते हैं इसका रेसिड्यू, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं फ्रॉम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसको आप लोग प्रिपेयर कीजिएगा। और कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के बाद जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है ट्रांसफॉर्म्स। अब देखो, ट्रांसफॉर्म्स में हमारे पास दो ट्रांसफॉर्म्स है, फूरियर ट्रांसफॉर्म और लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब इनमें पूछा क्या जाता है, सबसे पहले तो आप लोगों को फूरियर ट्रांसफॉर्म और लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसी भी फंक्शन का कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है, और इनसे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज जैसे लीनियर प्रॉपर्टी हो गई, स्केलिंग प्रॉपर्टी हो गई, तो जो भी प्रॉपर्टीज है फूरियर और लाप्लास ट्रांसफॉर्म के वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डिराक डेल्टा फंक्शन।
डिराक डेल्टा फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिराक डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो डिराक डेल्टा फंक्शन की क्या प्रॉपर्टीज हैं, और साथ में हमारे पास अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है डिराक डेल्टा के फॉर्म में तो उसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए। वहां पे इन सभी टॉपिक से मैथमेटिकल फिजिक्स में पूछा जा सकता है। और साथ में हमारे पास एक और टॉपिक है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, ठीक है। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट की क्या पूछा जाएगा, इनकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। और साथ में हमारे पास सिमेट्रिक, देखो जो भी मैट्रिसेस है हमारे पास सिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, इनके आइगन वैल्यूज क्या क्या होती हैं, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनके आइगन वैल्यूज क्या होती हैं, रियल होती हैं, इमेजिनरी होती हैं, या जीरो होती हैं, या वन होती है। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की आइगन वैल्यूज क्या होती है और इनकी बाकी प्रॉपर्टीज जैसे एडजॉइंट वगैरह की प्रॉपर्टीज है, इनवर्स मैट्रिक्स के इनवर्स की प्रॉपर्टीज है, तो वो सभी प्रॉपर्टीज आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो मैथमेटिकल फिजिक्स में जो मोटा मोटा है हमारे पास इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और जो किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैंने आपको आइडिया दे दिया है, तो उस तरीके से आप लोग प्रिपेयर कीजिएगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कहाँ से वो फंक्शंस डिराइव हो रहे हैं या फिर कहाँ से वो फॉर्मूला आ रहा है, तो उस पर ज्यादा देखने की कोशिश कीजिएगा, उस पर ज्यादा ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा कि कहाँ से वो चीजें हम लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो मैथमेटिकल फिजिक्स में इतना ही, बाकी आगे और पेपर्स जो भी हैं क्वांटम मैकेनिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स, उसमें किस तरीके के क्वेश्चन हमारे पास पीएचडी इंटरव्यूज में या फिर बीएआरसी में पूछे जाते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग जुड़े रहिएगा एपीजी द मिस्टीरियस पॉइंट के साथ, और हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पीएचडी इंटरव्यूज में और बाकी टॉपिक्स से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।